नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो आप बोलोगे सर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो आपने पहले भी करवाए थे। देखो हम ना चीजों को क्लासिफाई ऑन द वेरियस पैरामीटर्स कर सकते हैं। वहां पे जो हमने पहली क्लास टाइप्स देखी थी सॉल्यूशन की, वहां पे हमने क्लासिफाई करा था बेस्ड अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। वहां पे हमने क्लासिफाई करा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन अदर बेसिस आल्सो, ठीक है। तो पहला बेस हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट टाइप। देखो टाइप ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर हम दो तरह के सॉल्यूशंस जानते हैं, एक को हम बोलेंगे एक्वस और एक को हम बोलेंगे नॉन एक्वस। अब एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा बेटा? एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्वेंट कौन होगा? वाटर। आपने कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और आपने उसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट डाल दिया, आप उसको एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। या अगर मैं आपको बोलूं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका क्या मतलब है? HCl के साथ दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इसका मतलब क्या होगा? दूसरा कंपोनेंट क्या है? वाटर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, क्या मतलब है? दूसरा कंपोनेंट वाटर। या मैं अगर आपको बोलूं प्रिपेयर है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका क्या मतलब है? आपने शुगर किस पर डाली? पानी में। समझ आ गई बात? आया ना? यस सर। ठीक है कि अगर मैं आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछूं नेम द टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। हां जी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर के दो कंपोनेंट्स बताओ कौन-कौन से? शुगर एंड वाटर। तो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, जहां वर्ड एक्वस आ गया इसका मतलब एक कंपोनेंट में शुगर कौन है? वाटर है। और नॉन एक्वस कौन होंगे? ऐसे सॉल्यूशन जिनमें वाटर एज अ सॉल्वेंट है नहीं कर रहा, तो दैट विल बी नॉन एक्वस सॉल्यूशन। समझ आ गए? अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन में हम सॉल्वेंट क्या क्या ले सकते हैं? देखो बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन में हम अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट ले सकते हैं। समझ आ गया? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से बेटा। यहाँ पे ना इस एक तीन कंपोनेंट का हमने सॉल्यूशन बनाया, शुगर, वाटर एंड अल्कोहल। ये है 5 ग्राम, ये है 100 ग्राम और ये है 200 ग्राम। अब मुझे सबसे पहले बताओ इसमें सॉल्यूट कौन है? गरिमा सॉल्यूट कौन है? शुगर एंड हाविस। ऐसा सॉल्यूट कौन है? शुगर, केला शुगर या शुगर के साथ कोई और भी है? देखो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये सॉलिड स्टेट, ये दोनों लिक्विड स्टेट, ठीक है। मुझे एक बात बताओ जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कौन से स्टेट में होगा? लिक्विड, है ना। इसका मतलब शुगर तो सॉल्वेंट हो नहीं सकता, तो शुगर तो क्या है? साफ साफ चीख के बता रहा है कि मैं क्या हूं? मैं सॉल्यूट हूं। मैं क्या हूं? सॉल्यूट। अच्छा अब वाटर और अल्कोहल दोनों सेम स्टेट में हो गए, लिक्विड और लिक्विड। जब दो कंपोनेंट्स की स्टेट सेम स्टेट होती है फिर हम क्या देखते हैं? अमाउंट देखते हैं। अब वाटर की अमाउंट क्या है और अल्कोहल की? कौन सॉल्वेंट हुआ? तो सॉल्यूट। वाटर क्या बन गया? सॉल्यूट। इसका मतलब एक सॉल्यूशन में क्या एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। पॉइंट नया क्लियर हो गया? एक सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट हो सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या बन गया? अल्कोहल। अच्छा ये एक्वस सॉल्यूशन की नॉन एक्वस? एक्वस सॉल्यूशन की नॉन एक्वस। गलत दिया उसने आंसर। गलो अल्कोहल सॉल्वेंट है तो एक्वस कैसे हो जाएगा? अल्कोहल सॉल्वेंट नहीं है। हाँ उसने बोला एक्वस, सभी एक्वस एक्वस करने लग जाओ। अल्कोहल सॉल्वेंट है तो जब अगर वाटर सॉल्वेंट करता तो क्या बनता? एक्वस। अब यहाँ पे कौन सॉल्वेंट है? अल्कोहल। तो क्या है यहाँ पे? ये एक्वस है कि नॉन एक्वस है? नॉन एक्वस। क्लियर होगी बात? ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पर। क्लियर है? ना हाँ, अगर यहाँ पे ये दोनों 100 ग्राम होते आप दोनों सॉल्वेंट हो सकते। अभी दोनों सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हम उसकी टाइप डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ गई बात? एक्वस है नॉन एक्वस हम ये नहीं बता सकते क्योंकि दोनों ही अलग। यहाँ पे वाटर भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है और अल्कोहल भी सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा अब नेक्स्ट पैरामीटर देखिए, बेस अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट की अमाउंट के ऊपर हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, डायल्यूट सोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एसिड के बारे में खास बात बताई थी कि एसिड एसिड की तरह बिहेव करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? वाटर की प्रेजेंस में। आपने सपोज करो एक एसिड था, एक अमाउंट ऑफ एसिड था आपके पास, उसको एसिड की तरह बिहेव करने के लिए ना, पूरे एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए 100 ग्राम पानी चाहिए और आपने उसको 100 ग्राम पानी ही दे दिया, तो इसका मतलब आपने उसको वो मिनिमम अमाउंट दी जो उसको एसिड की तरह बिहेव होने के लिए चाहिए।
तो जब आप किसी भी सोल्यूशन में मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डालेंगे तो क्या बन जाएगा? कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। समझ आ गए? अब एक एसिड की अमाउंट है आपके पास, उसको 100 ग्राम पानी चाहिए था एसिड की तरह बिहेव करने के लिए, आपने 100 ग्राम डाल दिया तो क्या सा सोल्यूशन बनेगा? कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब सपोज करो उसको 100 ग्राम चाहिए था बट आपने 500 ग्राम डाल दिया तो आप क्या बन जाएगा? डाइल्यूट सोल्यूशन। अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन मोर देन मिनिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो डाइल्यूट बन जाएगा। अब थर्ड पैरामीटर देखिए, बेस अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बेस अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। आपके पास है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, देखो पास में आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास पानी है। आप खुद ऑब्जर्वेशन से बताओ, आपने एक चम्मच घी डाली घोल दी, दो डाली घोल दी, तीन डाली घोल दी, चार पांच छह सात आठ नौ दस, एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जब चीनी खुलनी बंद हो जाएगी। हाँ है ना? मेरे पे यकीन, तो घर जाके चीनी टेस्ट करके देखो, मतलब वेस्ट तो नहीं होगी, हम उसको यूज कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। यार वो जूस वाले लाते नहीं है तुम्हें, जूस में मीठा डाल के नहीं देते, तो वैसे वो भी यूज हो जाएगा, वेस्ट ना होगा, डाल करके देख लेना। आप एक ग्लास के उसमें क्या कहते हैं उसको यार, कांच के ग्लास में पानी लेके उसमें चीनी घोलनी शुरू कर दो, आप देखना कि एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ चम्मचों के बाद चीनी उसमें घुलनी बंद हो जाएगी। अब लगाइए जा रहे पर चीनी नहीं घुली, उस टाइम पे जब किसी सोल्यूशन में सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए, ठीक है, डिजोल्व होना बंद हो जाए, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट कहानी अभी अधूरी है। अब आप सपोज करो आपके पास एक कांच के ग्लास में पानी था, आपने उसमें आठ चमचे चीनी डाल दी, जैसे नौवीं चम्मच डाली वो घुलनी बंद हो गई, ठीक है। अब क्या हम उस नौवीं चम्मच को कभी भी नहीं घोल सकते? तो इसका तरीका है, आप उस पानी को, आप उस सॉल्यूशन को हीट करना शुरू कर, आप सॉल्यूशन क्या करना शुरू कर दो, हीट। अब जैसे आप सॉल्यूशन को हीट करोगे जो आपकी नौवीं चम्मच होगी वो भी घुल जाएगी। आपने 10 11 12 13 डाल दी, अरे 14वीं चम्मच आपने डाली वो भी फिर घुलनी बंद होगी, आप उसको और हीट कर दो, टेम्परेचर और बढ़ा दो, वो भी घुलनी शुरू हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है कि हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी और सॉल्यूट डाल सकते हैं, कैसे? टेम्परेचर बढ़ा के। अब मुझे कोई इसका रीजन बताएगा? कोई मुझे चैप्टर नंबर 1 में इसका रीजन छुपा हुआ कोई सलाह नहीं बताएगा? एक बात बताओ, जब आप एक सिंपल सी बात बताना, जब आपने एक पैची में, जैसे आप सपोज करो कहीं पैकिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी ने कभी बोरे में माल भरा हो, मतलब कोई पैकिंग करी हुई, अच्छा जब आपको बोरे में माल भरना होता है या आपके टैची में माल कपड़े डालने होते हैं, तो जब स्पेस पूरी भर जाती है आप उसको शेक करते हैं, जब शेक करते हैं वो सेटल डाउन हो जाता है और स्पेस बन जाती है, आप और जगह और सामान डाल सकते हैं। ऐसे ही आप करते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ। जब हमने 8 चमचे चीनी की डाल दी थी, 9वीं चम्मच डालने के लिए हमने सॉल्यूशन को नीचे से क्या किया? हीटअप किया, तो उससे हुआ क्या? यहाँ पे अंदर के जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने शुरू होंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वो हिलने डुलने शुरू हो गए। जब वो हिलने डुलने लग गए तो अंदर क्या डेवलप होगी? स्पेसेस। तो उन स्पेसेस में वो 9वीं चम्मच डिसॉल्व हो गई। अब आपने 10 11 12 13 जैसे आपने डाली, अब 14वीं चम्मच डाली वो डिसॉल्व भी हो रही, आपने नीचे से हीट और कर दी, तो क्या हुआ? वो और ज्यादा जोर से शेक करने लगी और स्पेसेस बन गई। अब सपोज करो क्या होगा, मैंने इस तरह से 20 चमचे डाल दी उस पानी में गर्म कर करके, अब मैंने उसी सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया, अब क्या होगा? जो हमने एक्स्ट्रा डाली थी ना वो उसी तरह से बाहर आ जाएगी। नहीं समझे? आपने एक सॉल्यूशन को गर्म करके उसमें सॉल्यूट और डालते गए, बट इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। अब जैसे ही उस गर्म सॉल्यूशन को आप ठंडा करना शुरू करोगे, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा, मतलब 16वीं चम्मच, 15वीं चम्मच, 14वीं चम्मच, 13वीं चम्मच, 12वीं चम्मच, 11वीं चम्मच, 10वीं चम्मच, 9वीं चम्मच, सारी सारी क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी सॉल्यूशन में से। आप क्या करो, दोबारा उसको हीट कर दो, इससे बोलते चले जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर, फिर ठंडा कर दो, फिर वो बाहर आ जाएगी। समझ आ गई बात? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर हो गया कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर, अब यहाँ पे टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जाना कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी और सॉल्यूट डाला जा सकता है, क्या बढ़ा के? टेम्परेचर बढ़ा के। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप और ज्यादा सॉल्यूट नहीं डाल पा रहे तो वो सॉल्यूशन क्या बन चुका है? सैचुरेटेड। और अगर आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट डाल पा रहे हो तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड। अच्छा, अब इसके आने के चांसेस बहुत कम है, पर कई स्कूल डाल देते हैं क्वेश्चन कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अंडर सम सर्टेन कंडीशन टेम्परेचर के अलावा भी किसी कुछ कंडीशंस के साथ हम सॉल्यूट को डाल सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर।
फॉर एग्जाम्पल हम उसी एग्जाम्पल पर वापस होते हैं, हमारी 8 चमचे चीनी की खुल चुकी थी, हमने अब टेम्परेचर की मदद ना लेके किसी और चीज की मदद लेके 9वीं चम्मच डाल दी, 10वीं चम्मच डाल दी, समझ आ गया? तो आप बोल सकते हैं ना कि इफ अ सॉल्यूशन अंडर सर्टेन कंडीशन कंटेन मोर देन सैचुरेटेड अमाउंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब कि अगर कुछ कंडीशंस को बदल के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम सैचुरेटेड अमाउंट से ज्यादा सॉल्यूट डाल सके, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी तक हमारे पानी में कितनी चमचे खुल चुकी थी? 8। अब हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, हमने कोई और कंडीशन चेंज करी, उसके कारण हमने 9वीं भी डाल दी, 10वीं भी डाल दी। जो 9वीं और 10वीं थी वो सैचुरेटेड अमाउंट से क्या थी? ज्यादा थी, हाँ है ना? तो अंडर सम सर्टेन कंडीशन हम 9वीं और 10वीं चम्मच चीनी की डाल पाए, घोल पाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए ट्रू सॉल्यूशन। बट एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट्स इतने थोरली मिक्स हैं एक दूसरे के साथ कि आप उनको एक माइक्रोस्कोप के अंडर भी अलग अलग नहीं देख पाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। ये एग्जिस्ट नहीं करता, हाइपोथेटिकल। समझ आ गई बात? एक ऐसा सॉल्यूशन मतलब नियर टू ट्रू सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते होंगे बट एक्चुअल ट्रू सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंपोनेंट इतने थोरली मिक्स हैं कि आप उनको माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं देख पा रहे अलग अलग, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन।